स्टूडेंट्स, मोनिशा के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए बच्चों, हम लोग आगे बढ़कर अपने पाठ में आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को शब्द विचार पढ़ाया था। शब्द विचार में मैं आप लोगों को स्रोत के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति, बनावट के अनुसार और रचना के अनुसार और प्रयोग के अनुसार, प्रयोग के अनुसार मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, पिछले पाठ में। आज मैं आप लोगों को अर्थ के अनुसार बाकी के भेद बताने जा रही हूँ। अर्थ के अनुसार बाकी दो प्रकार के शब्द, दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल कमल, नगर नगर, ये वर्णों का मेल है और इससे जो शब्द बना इसका कोई ना कोई अर्थ है। लेकिन अगर गनर गनर कर देते हैं तो वो निरर्थक हो जाता है। लमाकल लमक, माकल लमाकल कर देते हैं तो वो निरर्थक हो जाता है। तो वर्णों का जिन वर्णों के मेल से एक निश्चित अर्थ प्रकट हो वो सार्थक शब्द हो गया, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो निरर्थक शब्द हो गया। सार्थक शब्द कई प्रकार के हैं। सार्थक जो शब्द, सार्थक शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। तो एकार्थी जिस शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ हो, उसका और कोई दूसरा अर्थ ना निकले, तो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पर्वत, पुस्तक, बालक आदि, उसका एक ही अर्थ निकलता है, ये एकार्थी शब्द है। और अनेकार्थी शब्द जिस एक शब्द के अलग 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 अन्य अर्थ निकलते हों उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि घन, घन मीन्स घना, और क्यूब जिसे कहते हैं वो बादल, श्याम, श्याम का मतलब श्री कृष्ण भी हो गया, काला भी हो गया, मन 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 मस्तिष्क जो होता है वो मन हो गया, और नाप तौल की 40 kg, 40 kg की जो किलो की जो इकाई होती है उसे भी मन कहा जाता है। ये अनेकार्थी शब्द हो गया। समानार्थी शब्द जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द समानार्थी तो होते हैं लेकिन इनके अर्थ में हल्का सा अंतर होता है। कहने को जैसे कि जल, नीर, तोय, वारी, अम्बू, सलील, सबका अर्थ पानी ही होता है, जल ही होता है। नारी, स्त्री, महिला, ललना, भामिनी, कामिनी, सौदामिनी, दामिनी, पद्मिनी, सबका अर्थ स्त्री, महिला, एक औरत ही होती है। लेकिन इनके अर्थ में हल्का सा अंतर होता है बच्चों। जैसे कि जल, नीर, पानी, तोय, अंगूर, तो जल सच बहते हुए जल को, पानी को हम लोग जल कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर बहने वाले जल को हम लोग वारी कहते हैं। मीठे पानी को अंबू कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट, इतना क्लियर वाटर हो जो आर पार दिखता है, उसे हम लोग कहते हैं सलील। और पर्यायवाची शब्द में नारी, महिला, स्त्री, ललना, सबका अलग अलग अर्थ है बच्चों। जैसे कि नारी संपूर्ण स्त्री जाति का बोध करा देता है, महिला एक भद्र, सुसज्जित, सुंदर स्त्री को हम लोग सभ्यता के तौर पर महिला कहते हैं। बस मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि महिलाओं के लिए, औरतों के लिए नहीं लिखा रहता। तो महिला, ललना, ललना कौन होती है? लालन पालन करने वाली स्त्री ललना होती है। भामिनी, कामिनी, दामिनी, स्वदामिनी, दामिनी वो स्त्री जिसमें बिजली किसी कड़क हो, बहुत क्रोध हो, अपने क्रोध से हर चीज़ को नष्ट कर देने की जिसमें शक्ति हो, जैसे माँ दुर्गा, माँ काली, झांसी की रानी, ये सब आप लोगों को बच्चों इसमें मिलेगा। अच्छा, ललना पालन पोषण करने वाले स्त्री, पद्मिनी वो स्त्री जिसके पैर कमल के फूल के समान कोमल हो, और जिसके पैर के नीचे से अगर आप एक तिनका डालते हो तो बिना पैर को टच किए जो बाहर चला जाए, अंदर में आर पार हो जाए, पद्मिनी होती है। भामिनी वो स्त्री जो क्रोध करने के बावजूद सुंदर लगती है, उसे भामिनी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची मिले जिसमें हल्का हल्का अंतर आपको नजर आएगा। उसके बाद है विपरीतार्थक शब्द। शब्द का उल्टा मीनिंग देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ध्यान रखिएगा,
विपरीतार्थक शब्द में भी सिमिलैरिटी होना जरूरी है। सुबह का हम शाम करेंगे, सुबह का हम संध्या नहीं करेंगे, प्रभात का संध्या करेंगे, उषा निशा, दिन रात दिवा रात्रि। तो ये अगर तत्सम शब्द है तो तत्सम शब्द का विलोम लिखेंगे, और अगर उर्दू शब्द है उर्दू शब्द लिखेंगे, अगर हिंदी शब्द है तो हिंदी शब्द लिखेंगे। तो बच्चों ये आज आप लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाठ का उत्तर आपको किस तरह से लिखना है। तो कॉपी कलम लेकर के आप रेडी रहिएगा बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए। आपका होमवर्क है लर्न चैप्टर 4 प्रॉपर्ली। थैंक यू।